It was amazing to see that he's such a huge star in the Kannada film industry. And he had played the role of a Nai Babar guy, and he's riding a simple bicycle. Wo look bhi diya gaya tha. Hello, one mani with you. Welcome to Bollywood Premi. Dosto, Kantara release hone wali hai 14th October ko. Hindi mein trailer release kiya hai. Unhone hamare saath mein hamare Rahil Khan ji, the Bollywood writer jinko bolta hai. Unhone dekha hai trailer. Hindi mein dekha hai. Kantara ka trailer kaise laga? Very good, very impressive, or looks very promising. There has been good feedback from the Kannada version of the movie. So word of mouth both strong hai, and people are really looking forward to it. So I think bumper opening milne wali hai. Okay, bumper opening hone wali hai, aap bol rahe ho. Ji, Hindi mein. Ji, ji. Kyun aisa kyun lag raha hai? Because itna it's become hot property now, yaar. Pichle 8-10 din se log sab jagah wohi baat kar rahe hai, Kantara. So expectations are very high, और काफ़ी लोग Kannada version देखने नहीं गए because people don't enjoy seeing subtitles and all. तो वो और लोगों को language समझ में नहीं आती, subtitles भागते हैं तो वो experience enjoy नहीं करते. तो आई एम वेरी हैप्पी कि पब्लिक का डिमांड इतना था, थिएटर ओनर्स का इतना डिमांड था that they very quickly dubbed it in Hindi, और अब 14th October को release कर रहे हैं. And everybody is talking about it, and I hope the movie lives up to the expectations. Absolutely. Trailer dekha hai aapne? Trailer mein aapko kya kahani kya samajh mein aayi? Trailer is very impressive. Jo story lag rahi hai, wo lag rahi hai coastal Karnataka ki, some village there, and they have that annual festival, buffalo race, and koi negative lead mein hai, baldi jaisa aadmi, he's a forest officer. And it's a very son of the soil story, very रूटेड स्टोरी है, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट लग रही है बिकॉज उसमें दे आर शोइंग द कल्चर ऑफ द प्लेस विच इज गोइंग टू बी द हाईलाइट आई थिंक द USP. दे आर शोइंग द कल्चर ऑफ द प्लेस. व्हाट डू यू थिंक हाउ डिफरेंट द ट्रेलर इज फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी ट्रेलर? बहुत डिफरेंट यार. सी दैट्स वेयर अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड राइटर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. या अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है बॉलीवुड में, आई फील वेरी सैड टू से दिस, बॉलीवुड इज फोकसिंग टू मच ऑन स्टाइल, यू नो. वो स्टाइल फ्लैम्बॉयंस, इतना करोड़ खर्चा किया, यहाँ शूट किया, बुर्ज खलीफा, पेरिस, ये सब कर रहे हैं एक्टर्स के लुक पे एंड ऑल. दे आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द सब्सटेंस, ऑन द सोल. और अगर आप बॉलीवुड का हिस्ट्री देखेंगे राइट फ्रॉम लास्ट 70-80 ईयर्स, इट इज़ ऑलवेज द जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, जो सब्सटेंस होता है वो मैटर करता है. और जो स्टाइल होता है दैट नेवर लास्ट लॉन्ग. स्टाइल्स आर वेरी टेम्प्रेरी, वो थोड़े दिन के लिए होते हैं. फाइनली इंडियन ऑडियंसिस को वो अपील होता है जो उनके दिल को लगती है. और ये डिफरेंस है, ये ट्रेलर जो है इट्स वेरी रूटेड, एज आई सेड, विलेज लाइफ बताते हैं उधर की. आई डोंट नो विच टाइम पीरियड इट इज सेट इन, इट इज़ इन 2022 और 50 ईयर्स और 20 ईयर्स और 100 ईयर्स बैक, आई डोंट नो दैट. वो मूवी देख के पता चलेगा. बट इट्स वेरी रूटेड एज अगेंस्ट बॉलीवुड मूवीज़ जो काफ़ी फ्लैम्बॉयंस और स्टाइल में जाते हैं, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होता है. ओके. इसके पहले आपने कौन सी कन्नड़ा फिल्म देखी थी हिंदी डब? मैंने देखी थी हीरो, ऋषभ शेट्टी की देखी थी ड्यूरिंग लॉकडाउन. या तो फर्स्ट हाफ वाज रियली गुड, ही हैड परफॉर्म सो वेल. आई मीन इट वाज अमेजिंग टू सी दैट ही इज सच अ ह्यूज स्टार इन द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, एंड वो एक ही हैड प्लेड द रोल ऑफ अ नाई बाबर गाय, एंड ही इज राइडिंग अ सिंपल बाइसिकल. वो लुक भी दिया गया था. आई कैन नेवर इमेजिन अ बॉलीवुड एक्टर डूइंग द रोल ऑफ अ बाबर, अ स्मॉल टाइम विलेज बाबर, एंड लुकिंग लाइक दैट, यू नो. अगर हमारे बॉलीवुड एक्टर को एक विलेज का भी रोल करना है तो हिल वे ब्रांडेड क्लोज, नीट क्लीन, इस तरह करे हुए कपड़े, सो इट डजेंट वर्क. यू हैव टू प्ले द पार्ट, यू हैव टू लुक द पार्ट, एंड यू हैव टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. ओके. चलिए, 14 को तो पिक्चर रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी हमने जो सिनेरियो देखा जी हिंदी सर्किट में, मतलब मुंबई नॉर्थ साइड में, मुंबई साइड में मैक्सिमम हमने जो देखा है, कन्नड़ा में फिल्म लगी लेकिन इट वेंट हाउसफुल ऑल ओवर, यू नो, ऑल ओवर इंडिया. ओके. हिंदी सर्किट. ओके. कन्नड़ा में हिंदी डब होके आई नहीं है लेकिन फिर भी हाउसफुल जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता? या दिस हैपेंड, आई वाज जस्ट फ्यू डेज बैक एट द थिएटर एंड इट वाज हाउसफुल. पहचान के मेरी पहचान होने के बावजूद मुझे टिकट नहीं मिल सका उधर, सो इट वाज सो पैक्ड. एंड आई थिंक इट्स कंटेंट. फाइनली आपके सवाल का जवाब ये क्या, कंटेंट क्वालिटी. वो कंटेंट दे रहे, क्वालिटी दे रहे, तो लैंग्वेज इज नो बार. बिकॉज लोग चाहते हैं, हम घर में नहीं देखे अपने टेलीविजन पे, अपने मोबाइल पे OTT, लोग चाहते हैं थिएटर जाएं, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट लव ऑफ इंडिया. द लव लाइफ इज़ द सेकेंड लव. फर्स्ट लव इज सिनेमा. बट द सिनेमा मेकर्स, द फिल्म मेकर्स हैव टू जस्टिफाई सच स्टफ बाई विच मेकिंग सच स्टफ बाई विच द ऑडियंस कम्स.
If you are going to drive away the audience from the theaters, then why will the audience come to you? So because the content, I think so, I have not seen it yet, but the content is so good, the quality and everything must be so good. That's why it's like a magnet. Yeah, it's like a magnet pulling the audience to the theater. Okay. And without any publicity, without any spending crores on promotions or interviews, blah, 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 kuch nahi. It's just word of mouth. So that's a very big lesson for the industry. This is the reason behind it. Aayenge hum aapke paas mein 14th October ko. Yeah. पिक्चर आएगी ऋषभ शेट्टी स्टारिंग कंतारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देखोगे द बॉलीवुड राइटर राहुल खान का रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू जरूर आएगा थैंक यू बाय गाइस।